हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माई आर्ट सी जी ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं दोस्तों आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसा कि अभी समय चल रहा है दोस्तों पितृपक्ष का, पितृपक्ष में जो कि है हमारे पितरों को भोग लगाते हैं, तो उस भोग में बहुत सी खास चीज़ें होती हैं, जैसे पूड़ी, बड़ा, दाल चावल, वो तो रहता ही दोस्तों। और उसके साथ जो उसकी सब्जी होती है, खास जो सब्जी है वो है तरोई की सब्जी। तो मैं आज आपको अपनी तरोई की सब्जी की रेसिपी बताऊंगी दोस्तों। वैसे तो तरोई की सब्जी को बनाने का बहुत सा तरीका है, सब अपने अपने हिसाब से अपने तरीके से बनाते हैं, पर मैं किस तरह से बनाती हूँ मैं आज आपको अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलते हैं फिर किचन में और बनाते हैं अपनी तरोई की सब्जी। चलिए दोस्तों, तरोई की सब्जी बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया है दोस्तों 5-6 तरोई ली है, और साथ में लिया है भीगा हुआ काला चना। मैं काला चने में अपनी तरोई की सब्जी बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम तरोई को उसका छिलका उतार लेते हैं दोस्तों। इसका छिलका बहुत हार्ड होता है, तो सबसे पहले हम इसका छिलका उतार लेते हैं। छिलका उतारने के बाद अब हम इसे बीच बीच से काट लेंगे दोस्तों, बड़ा बड़ा पीस काट लेंगे इसका। अब इस बड़े हुए पीस को हम स्लाइस में काट रहे हैं, उसे थोड़ा छोटा कर रहे हैं, छोटा और लंबा। तरोई की सब्जी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ें इस प्रकार है। हमने लिया है मिर्च, लहसुन, 2 प्याज, छोटा प्याज, और 2 छोटी जो है हमने टमाटर ली है दोस्तों। तो हम इसी से अपना जो तरोई की सब्जी है उसको बनाएंगे, उसे फ्राई करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैंने गैस में कढ़ाई चढ़ा दी है दोस्तों, उसमें डाल दी हूँ मैं तेल। तेल को गर्म होने देती हूँ, फिर मैं उसमें डालूंगी जीरा और जो है सरसों। जीरा और सरसों का फोड़न दे रही हूँ दोस्तों मैं यहाँ पर। और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी लहसुन, जो कि हमने लिया है, बारीक कटा लहसुन है। लहसुन डालने के बाद उसमें उसको ब्राउन होने देती हूँ थोड़ा सा, फिर उसमें डालती हूँ मिर्च। मिर्च डाल के इसमें हल्का सा चम्मच चला देती हूँ, फिर उसके बाद इसमें डालेंगे हम प्याज। प्याज के साथ मैंने 2-4 जो है कड़ी पत्ता भी डाल दिया है दोस्तों, मुझे उसका स्वाद बहुत पसंद है। साथ ही मैंने इसमें टमाटर डाल दिया। टमाटर डालकर इसमें हम चम्मच चला लेंगे, और उसके बाद जो भी हमारा मिर्च मसाला है वो डालेंगे। सबसे पहले मैं इसमें नमक डालूंगी। नमक डालने के बाद इसमें डालूंगी दोस्तों हल्दी। हल्दी डालने के बाद है मिर्च पाउडर डाल देंगे, और मिर्च पाउडर के साथ ही हम इसमें धनिया पाउडर भी डाल देंगे। तो इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हम इसको चम्मच चलाकर मिला लेंगे, और चम्मच चलाने के बाद इसको मिलाने के बाद हम इसे ढक देंगे, ताकि ये जो टमाटर है वो पानी छोड़े और इससे वो अच्छी तरह से पक जाए। तो अब हम ढक्कन हटा लेते हैं। ढक्कन हटाकर फिर से चम्मच चला लेते हैं। मसालों को बीच बीच में थोड़ा सा 1-2 बार ढककर पकाएंगे दोस्तों, ताकि ये अच्छे से पक जाए। टमाटर जो है वो पानी छोड़ते हैं, तो उससे क्या है मसाले अच्छी से तरह से पक जाते हैं।
अब हम इसमें डालेंगे दोस्तों हमारा कटा हुआ जो तरोई है उसे हम इस मसाले में डाल देंगे। बाद में तरोई का डालने का कारण यह है दोस्तों, क्योंकि यह तरोई जो होती है बहुत ही पानी छोड़ती है, इसीलिए हमने इसके मसालों को पहले ही अच्छी तरह से पका लिया। और तरोई डालने के बाद जो है हम इसमें डालेंगे भीगा हुआ काला चना। काला चना मुझे बहुत पसंद है, मैं इसको ऐसे ही बनाती हूँ, तो हम काला चना डाल देंगे इसके ऊपर। और डालने के बाद हम इसे जो है ढककर पकाएंगे। काला चना को मैं उबाली नहीं हूँ दोस्तों, क्योंकि जो तरोई है वो पानी छोड़ती है, तो वो इसमें अच्छी तरह से पक जाएगा, इसीलिए मैंने इसे उबाला नहीं है। तो हम अब इसको चम्मच चला देंगे, चम्मच चलाकर इसे मसाले के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे, ताकि हमारा जो मसाला है तरोई में मिक्स हो जाए अच्छे से। और मिक्स करने के बाद हम इसे जो है ढक देंगे दोस्तों, और ढककर इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। अब फिर से ढक्कन हटा लेते हैं। अब देखिए हमारा जो तरोई है वो पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, तो इसे ऐसे ही पकाएंगे दोस्तों, बीच बीच में ढककर, फिर चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये जो तरोई है उसमें मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब देखिए हमने ढक्कन हटाया फिर से, अब देखिए हमारा जो तरोई है वो कितना पानी छोड़ चुका है, और जो हमारा चना है वो भी अच्छे से पक चुका है। तो इस तरह से हम जो अपनी तरोई की सब्ज़ी है उसे अच्छी तरह से पका लेंगे ढककर, फिर उसका ढक्कन हटाकर, फिर उसे चम्मच चलाकर। तो इस तरह हमारी जो तरोई की सब्ज़ी है दोस्तों वो पककर तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें जो है एवरेस्ट मसाला है वो उसमें डाल रहे हैं, और डालने के बाद ये हमारा जो तरोई की सब्ज़ी है वो बनकर तैयार हो चुका है दोस्तों। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।